साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को हाउस अरेस्ट करने का हुक्म हम खबर आपको दे रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को हाउस अरेस्ट करने का हुक्म हम खबर आपको दे रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को हाउस अरेस्ट करने का हुक्म दे दिया। अहम खबर आपको दे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को अडयाला जेल से घर में हाउस अरेस्ट करने का हुक्म दे दिया है। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही के घर को सब जेल करार दे दिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को हाउस अरेस्ट करने का हुक्म देते हुए उनके घर को सब जेल करार दे दिया है। आपको बताएं कि अदालत ने फैसला किया है कि चौधरी परवेज इलाही को 15 दिन के अंदर घर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। आपको बताएं कि परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर अदालत ने महफूज फैसला किया था, जो कि अब सुना दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को अडयाला जेल से घर में हाउस अरेस्ट करने का हुक्म देते हुए चौधरी परवेज इलाही के घर को सब जेल करार दे दिया है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स देते हैं इस्लामाबाद से, नुमाइंदा कैपिटल टीवी शाहज़ेब मलिक हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी मलिक साहब, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चौधरी परवेज इलाही को अडयाला जेल से घर में जो है हाउस अरेस्ट करने का ये मामला था, इस पर अदालत ने फैसला महफूज किया था। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को अडयाला जेल से जो घर अरेस्ट हाउस में अरेस्ट करने का जो है वो हुक्म दे दिया है और 15 दिन के अंदर शिफ्ट करने का भी हुक्म दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने महफूज फैसला सुनाया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को एक घर को सब जेल जो है वो करार दे दिया है, क्योंकि परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही की दरखास्त पर अदालत ने ये फैसला गुज़श्ता 2 मई से पहले जो महफूज किया था उसमें चौधरी परवेज इलाही को 15 दिन के अंदर जो है घर शिफ्ट किया जाएगा। अदालत ने ये फैसला दिया है। गुज़श्ता इस्तेमाल पर परवेज इलाही की सेहत खराबी के बाद जो है घर में हाउस अरेस्ट करने के मुताबिक दरखास्त जो है वो दायर की गई थी, जिस पर अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था और ये भी कहा था कि सब जेल पूरे घर को करार दिया जाए और परवेज इलाही की सिर्फ एक कमरे तक महदूद रखा जाए। क्या आप इसके लिए तैयार हैं, जिस पर वकील ने कहा था जी बिल्कुल हम इसके लिए तैयार हैं और परवेज इलाही की बेहतर तबीयत सहूलियात फराहम की जाएंगी और अपने घर से ज्यादा जो है अडयाला जेल में जो है वो महफूज है और पिम्स अस्पताल के जो नुमाइंदे थे उन्होंने गुज़श्ता समाअत पर बताया था, जिस पर अदालत ने फैसला महफूज किया था। और आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने महफूज फैसला सुनाते हुए इस्लामाबाद जो परवेज इलाही के घर को सब जेल जो है वो करार दे दिया है और 15 दिन के अंदर जो है घर शिफ्ट किया जाए ये भी अदालत ने फैसला दिया है। जी अच्छा निसार, अपना शाहज़ेब मलिक ये बताइएगा कि 15 दिन के अंदर घर शिफ्ट करने का हुक्म दिया है अदालत ने, तो ये डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल होते ही इनको शिफ्ट कर दिया जाएगा या पूरे जो आखिरी 15वां दिन है उसी रोज़ इनको शिफ्ट किया जाएगा, तरीकाकार क्या होता है इसका? नाज़रीन आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को अडयाला जेल से घर में हाउस अरेस्ट करने का हुक्म देते हुए उनके घर को सब जेल करार दे दिया है। 15 दिन के अंदर चौधरी परवेज इलाही को घर शिफ्ट कर दिया जाएगा। आपको बताएं कि चौधरी परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर अदालत ने फैसला महफूज किया था, जो कि आज अदालत ने सुना दिया है। चौधरी परवेज इलाही को उनके घर को सब जेल करार दे दिया गया है और 15 दिन के अंदर उनको घर में शिफ्ट कर दिया जाएगा।